हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि दिवन। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 13 कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। ये विज्ञापन कार्यालय बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी देवरिया से आया है। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर वैकेंसी है। वेतन आपको यहाँ 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। उम्र जो है यहाँ पर रखी गई है 25 से लेकर 45 वर्ष तक। यदि आपने बीएड किया है, सीटेट किया है या फिर टेट किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और वो मेरिट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो 3 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया से। यहाँ 13 कस्तूरा गांधी स्कूल से जो है वो वैकेंसी आई है। आवासीय बालिका विद्यालय है। 12th क्लास तक जो है यहाँ पर केवल गर्ल्स ही पढ़ती हैं, तो यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका के यहाँ पर जो विषय है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय हिंदी, कला क्राफ्ट, गृह शिल्प, कंप्यूटर, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार, ये सभी जो है वो महिलाएं ही रहेंगी। यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। पहले तो यहाँ पर पुरुष भी आवेदन कर सकते थे, बट इस साल जो है 2023 के बाद से हम देख रहे हैं केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही जो है यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी पर मंथ 22,000 रुपए मिलेगी पूर्णकालिक शिक्षिका को, ठीक है। 12th तक स्कूल है। यहाँ पर हॉस्टल में जो है सुविधा होती है लड़कियों के लिए, वो वहीं पर रहती हैं, सारे अरेंजमेंट होते हैं। इसी तरीके से पूर्णकालिक शिक्षिका के भी होते हैं। जो अंशकालिक शिक्षिका होती है तो वह अपने स्कूल टाइम के बाद जो है वो घर जा सकती हैं। सैलरी भी इनकी 9,800 रहती है। अभी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या कही गई है, तो यहाँ पर जो है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए पीसीएम में वर्ग से स्नातक, बीएड, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, ठीक है, और सीटेट अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हर स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, यानी महिला कोई भी स्टेट की हो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकती है। इसके अलावा विज्ञान के लिए ZVC वर्ग से स्नातक, बीएड या इसके समकक्ष LT भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट या सीटेट। अंग्रेजी के लिए भी यही जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। सामाजिक विषय में यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में से एक जो है विषय आपने स्नातक में पढ़ा हो, बीएड, सीटेट या उच्च प्राथमिक स्तर की टेट अगर आपने की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। सीटेट पेपर 2 जो है यहाँ पर मांगा गया है। हिंदी में अगर आपने हिंदी या संस्कृत इनमें से किसी एक में जो है स्नातक उपाधि ली है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। बीएड और टेट जो है यहाँ पर मांगा गया है। आप लोग अगर हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग लिफाफे में जो है वो अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे, एक ही लिफाफे में आप दोनों आवेदन नहीं कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका जो है कला क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, तो यहाँ पर इनकी सैलरी कम है क्योंकि हाफ टाइम के लिए है ये, तो 9,800 है। स्नातक किया है, बीएड किया है और सीटेट किया है। अंशकालिक शिक्षिका जो है कंप्यूटर के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है ग्रेजुएशन की है या आपने ग्रेजुएशन की है और साथ में आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है कोई भी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्य रसोई या सहायक रसोई या चौकीदार, तो यहाँ 8वीं पास जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाती है और इनकी सैलरी भी जो है वो अलग अलग रखी गई है। और आपको पता है कि पहले जो है संविदा के आधार पर जो है यहाँ पर टीचर्स को रखा जाएगा, उसके बाद हर साल जो है इनको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। अभी ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस्टेक की तो आपका फॉर्म जो है वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि काफी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं और थोड़ी सी भी गलती होने पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए कोई भी आपका जो है मार्ग व्यय या अन्य भत्ता देय नहीं होगा। जितनी फीस आपको बताई है, जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका की 22,000 बताई है, तो उसके अलावा जो है वो 1 रुपए भी जो है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं मिलेगा। शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होना चाहिए। उम्र जो है वो 25 से 45 वर्ष जो है यहाँ पर कही गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2023 के आधार पर होगी। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रावधान है आरक्षण से संबंधित, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में वो आपके लगेंगे। अब देखिए अन्य राज्यों की भी वैकेंसी जो है वो ऐसे ही आएगी, आप लगातार जो है वो वीडियो देखते रहे, क्योंकि स्टूडेंट का जो है वीडियो देखने से जो बहुत फायदा होता है और वो एप्लीकेशन डालते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब आप जो है वो किस स्टेट में रह रहे हैं ये मुझे तो नहीं पता है, इसके लिए आप लोगों को जो है नजर रखनी होगी वैकेंसियों के ऊपर, ठीक है, और मैं जो है वैकेंसी हर स्टेट की जो है वो कवर करूंगी।
यहाँ पर लिखा है कि आवेदन पत्र जो है निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है, अपूर्ण होगा, हस्ताक्षर रहित होगा तो यह आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए संबंधित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। मैंने आपको बताया हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए आपको करना है, तो अलग अलग जो है आप लोगों को लिफाफे में आवेदन करना होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम भी लिखना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो वो भी लिखना है, दोनों लिखने हैं, ठीक है। आवेदित पद का नाम भी लिखना है, यानी आपका नाम और विषय जो है वो जरूर लिखना। विज्ञप्ति के साथ आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बाद में जो है वो कोई भी चेंजमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। अब इन्होंने कहा है एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो इनके द्वारा कहा गया है कि जनपद देवरिया हेतु निर्धारित आवेदन पत्र ही पंजीकृत डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट होगा या स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं, जो जनपद के एनआईसी की वेबसाइट है इनकी deoria.nic.in पर उपलब्ध है। अब इस पर जो है वो मैंने विजिट किया, बट मुझे जो है वो कहीं पर भी जो है ये आवेदन पत्र जो है वो नहीं मिला, ठीक है। एक एक चीज जो है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से डीप में जाकर देखी। विज्ञप्ति जो है वो कहाँ पर जारी हुई, तो ये न्यूज़पेपर में जारी हुई, ठीक है, और आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वह भी न्यूज़पेपर में ही आया, तो वो चीज मैं आपको अभी दिखा दूंगी और आपका आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिखा है कि एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो आप लोग लिख लेंगे और 3500 रुपए का जो है वो डाक टिकट जो है वो वहां पर जरूर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड नंबर दिया है 274001, ये आपका एड्रेस है, यही आपको लिखना है। दिनांक 26 अगस्त की शाम 5 बजे से पहले जो है वो आपको भेज देना है। लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लिखना, इसके लिए आवेदन कर रहे हैं आप, ये लिखना है, ठीक है। ऊपर लिखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, फिर लिखना है अपना नाम, फिर लिखना है किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग जो एप्लीकेशन कर रहे हैं। साधारण डाक या विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करना है सिंपल पोस्ट, आप लोगों को रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करनी है। ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है ये भी न्यूज़पेपर में ही आया है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लें और प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करके और फिर जो है वो आप लोग एप्लीकेशन करें। ऐसे ही जो वैकेंसी किसी भी स्टेट से अगर टीचर्स की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो वो जरूर मैं लेकर आऊंगी। डेली जो है वीडियो देखें, कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों का भी नंबर जरूर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।